हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पर अपना एलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो कि 24 मई से लेकर 10 जून तक होने वाला है, तो आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में एलजेब्रा एक बहुत ही अच्छा वेटेज कवर करता है। हमारे डायरेक्ट 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो हम अभी सीएचएसएल को टारगेट करते हुए मैथ्स की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एडवांस मैथ पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद अपना अर्थमेटिक कवर करने वाले हैं। और ये आपका टारगेट बैच चलेगा, टारगेट सीरीज चलेगी, जो आपकी सीएचएसएल एग्ज़ाम तक चलने वाली है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में आज हम कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आप सभी ने एग्जाम में देखा भी होगा। ये एक्स प्लस वन बाई एक्स, इस टाइप के एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, यानी कि स्क्वायर और इसका क्यूब, यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, और इसके पैटर्न पर, फिक्स पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं, यदि आपको किसी क्वेश्चन में एक्स प्लस वन बाई एक्स के दे रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स के दे रखा है, और हमसे पूछता है कि आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हम होल स्क्वायर करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, के स्क्वायर के। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, जो किसके इक्वल होगा आपका, के स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। जो आपका ये टू इधर प्लस में है, तो इक्वल टू के उधर जाकर आपका ये माइनस का हो जाएगा। तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है, वो क्या आई है, के स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पर हमने ये एक शॉर्ट, आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया। यदि आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आपका अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। यदि मैं आपको कहता हूँ, यदि आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स फोर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताएं, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि x प्लस वन बाई एक्स यदि k है, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आपका k स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स क्या है, 4, तो यानी कि 4 किसका काम करेगा यहाँ पर, k का। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस टू, जो हो जाएगा आपका 16 माइनस टू इज इक्वल टू 40। बताइए आप सभी को ये बात समझ आई क्या। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कर कर। यदि आपका x प्लस वन बाई एक्स टू रूट थ्री है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे करके बताना है सभी बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, अब आते हैं हम क्यूब पर। अब पावर इंक्रीज करते जाएंगे। यदि आपका x प्लस वन बाई एक्स किसके इक्वल दिया है, के, और हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना बच्चों, तो अभी हम सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, एक एक स्टेप करके आगे सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो यदि हमसे x प्लस वन बाई एक्स के दे रखा है और पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो कैसे करेंगे। देखो यदि पावर यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, और हमें हम कहाँ पे जा रहे हैं, पावर 3 पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो हम इसका क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। तो चलिए होल क्यूब करते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आपका, के क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स आ रहा है, और ये एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, k है। तो इसको यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, k, 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के क्यूब। तो यहाँ से आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू जो डायरेक्ट है, वो आ जाएगी के क्यूब माइनस 3k। क्या आ जाएगी, के क्यूब माइनस 3k, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आप सभी को ये बात समझ आई क्या।
तो जो आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x³ होगा वो क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3 है। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस 1/x आपको कितना दे दिया गया है, 4, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालिए। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था, के क्यूब माइनस 3k, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब माइनस 3 × 4। तो 4 का क्यूब कितना होगा आपका, 4 × 4 16 × 4 64, माइनस 4 × 3 12, ये आ जाएगा आपका कितना, 52। तो आंसर क्या होगा डायरेक्ट हमारा, 52। तो अब हमें बार बार क्यूब करने की जरूरत नहीं है, यदि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ डायरेक्ट निकाल सकते हैं के क्यूब माइनस 3k से। बताइए आप सभी को ये बात समझ में आई, चलो वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। यदि आपका x प्लस 1/x 5 है तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल के बतानी। अभी तक हमने पढ़ा यदि हमारे पास क्या था, x प्लस 1/x था, यदि हमारे पास क्या था, x प्लस 1/x, तो हमने पढ़ा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, x प्लस 1/x। यदि आपको वो क्वेश्चन में x माइनस 1/x दे देता है, यदि आपको क्वेश्चन में क्या देता है, x माइनस 1/x इसके इक्वल के इक्वल देता है। अब यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ही, क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है ना। तो फिर वही आपको पावर यहाँ पर एक है, पावर यहाँ पर कितनी है, 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के लिए होल स्क्वायर करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 + 2 −2 × x × 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वायर के। तो यहाँ पर वही एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर प्लस 2। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो यदि आपको एक्स प्लस 1/x के दिया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो गया था, के स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स माइनस 1/x के दिया है, साइन किसका है, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर प्लस 2। बताइए आप सभी को ये बात समझ में आती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक्स माइनस 1/x आपका क्या है, 4, और हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². तो यदि एक्स माइनस 1/x 4 है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर प्लस 2, तो के यहाँ क्या है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2, जो होगा आपका डायरेक्ट 16 + 2 = 18। तो हमें एग्जाम में अपनी स्पीड बढ़ा के ऐसे ही टाइम बचाना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हमको आंसर पता होना चाहिए। तो एक्स माइनस 1/x यदि 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 4 का स्क्वायर प्लस 2 18। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि हमको फिर x माइनस 1/x देता है, मान लीजिए k के इक्वल, और हमसे पूछेगा अब एक्स क्यूब माइनस 1/x³। देखिए जब क्यूब करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जब क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस 1/x का क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होगा, के क्यूब के। फॉर्मूला आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 × x × 1/x और a माइनस बी, ठीक है, किसके इक्वल आएगा आपका, के क्यूब के। अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं x से तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3, और ये x माइनस 1/x क्या है आपका, k, तो इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर k, 3k इज इक्वल टू आपका के क्यूब। तो यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x³ किसके इक्वल होगा, के क्यूब प्लस 3k के। तो ये भी हमारा अब एक डायरेक्ट फॉर्म बन चुकी है। तो अभी तक हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं, पहले पढ़ा हमने x प्लस 1/x यदि आपको k दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर माइनस 2, सीधा सीधा, यदि साइन प्लस का है तो माइनस 2 हो गया। फिर पढ़ा हमने x माइनस 1/x कितना, k, तो फिर हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो वहाँ पर क्या हुआ, के स्क्वायर प्लस 2। फिर आते हैं क्यूब में, पहले पढ़ा था हमने x प्लस 1/x यदि k है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के क्यूब माइनस 3k, और यदि हमको दिया है x माइनस 1/x के तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ आपका के क्यूब प्लस 3k। तो यहाँ की डायरेक्ट फॉर्म बन चुकी है। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हमको एग्जांपल देता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 7 और हमसे पूछता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³, तो डायरेक्ट आपको याद हो गया होगा के क्यूब प्लस 3k, यानी कि 7 का क्यूब कितना, 343 प्लस 3 × k, 3 × 7, 7 3 = 21, तो आपका आंसर आ जाएगा
तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। अभी तक हमने पावर दो पढ़ चुके हैं, पावर तीन पढ़ चुके हैं। यदि हमको क्वेश्चन में पावर चार देता है, यदि हम पढ़ते हैं x प्लस वन बाई एक्स, अभी हमने k पढ़ा है ना, यदि आपका x प्लस वन बाई एक्स k है और हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि x की पावर चार प्लस वन अपॉन x की पावर चार क्या होगा, ठीक है, अब किस में जा रहे हैं, पावर फोर में, तो आपको डायरेक्ट याद हो चुका होगा। यदि हमें x प्लस वन बाई एक्स पता है क्या k, और फिर हमें क्या निकालना है x की पावर चार प्लस वन बाई एक्स की पावर चार, तो दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम आपका, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस टू, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू। और यदि पावर चार निकालनी है तो यानी कि फिर से स्क्वायर क्या है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर और फिर माइनस से टू, ठीक है ना। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। तो यदि हमें दिया है x प्लस वन बाई एक्स कितना दे दिया है, मान लीजिए तीन दिया है, x प्लस वन बाई एक्स कितना दिया है तीन, और आपसे पूछा है कि x की पावर चार प्लस वन अपॉन x की पावर चार बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर चार पे जाने के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका के स्क्वायर माइनस टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि थ्री का स्क्वायर नाइन, नौ में से दो गए आपका कितना आ गया सात, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पता चल चुका है, हमें जाना कहाँ पर है, एक्स की पावर चार प्लस वन अपॉन एक्स की पावर चार पर, तो फिर से स्क्वायर करेंगे, यानी कि सात का स्क्वायर कितना 49 और माइनस क्या करेंगे टू, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 47। बताइए आप सभी को ये बात समझ आई क्या। तो यदि हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स पता है और हम एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर पर जाना चाहते हैं, तो दो बार स्क्वायर करेंगे, फटाफट आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। चलिए अब यदि देता है x प्लस वन बाई एक्स, मान लीजिए आपको देता है तीन, और आपको जानना किस पर है, x की पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, आपको क्या निकालना है, x की पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, तो बताइए x की पावर सिक्स पर कैसे जाएंगे x से, या तो एक बार पहले आप स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर पता चलेगा, और फिर क्या करें उसका क्यूब करें, या फिर पहले क्या कर सकते हैं, पहले क्यूब कर लें और फिर क्या करते हैं स्क्वायर कर दें, तो हम पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कर लेते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो क्या होगा आपका के स्क्वायर माइनस टू, जो होगा थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन माइनस टू कितना आपका सेवन। अब हमें जाना है किस पर, पावर सिक्स पर, ये आपका मिक्स क्वेश्चन हो गया है ना, क्यूब भी लगेगा इसमें और आपका स्क्वायर भी लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर कितना है सेवन, और हमको जाना है इसके पावर सिक्स पर, तो पावर सिक्स पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो यहाँ से जब क्यूब करेंगे तो एक्स की पावर सिक्स डायरेक्ट पढ़ा है हमने, प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स कितना हो जाएगा सेवन, सेवन का क्यूब माइनस थ्री के, सेवन का क्यूब माइनस थ्री के, यानी कि सेवन का क्यूब माइनस थ्री इंटू सेवन, ठीक है ना, के क्यूब माइनस थ्री के, सेवन का क्यूब माइनस थ्री इंटू सेवन, सेवन का क्यूब आपका कितना 343 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका 322। बताइए आप सभी को समझ में आया क्या। तो इस तरीके से हम अब पावर दो, पावर तीन और आपकी पावर चार, पावर चार में दो बार स्क्वायर करना है, पावर छः एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, ठीक है, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन अब हम जल्दी से कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर, यदि x प्लस वन बाई एक्स टू रूट थ्री है तो आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस टू, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर, टू रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, टू का स्क्वायर फोर इंटू थ्री कितना 12 माइनस आपका टू, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 10, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो आपका क्या था के क्यूब माइनस थ्री के क्यूब मान के टू रूट थ्री का क्यूब है ना, किसका टू रूट थ्री का क्यूब, कितना होगा टू टू जा फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24 रूट थ्री माइनस थ्री इंटू के, यानी कि थ्री इंटू टू रूट थ्री, कितना आ जाएगा आपका 24 अंडर रूट थ्री माइनस सिक्स रूट थ्री, जो कितना होगा आपका 18 रूट थ्री, तो हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तो बताना डायरेक्ट बताना आप यहाँ पर, ठीक है, क्या निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर निकाल चुके थे, कितना आ गया था आपका 10, तो बस अब इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना 100 और फिर माइनस क्या कर दो 2, तो डायरेक्ट आंसर आपका कितना 98। अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, x प्लस वन बाई एक्स कितना 9, x प्लस वन बाई एक्स कितना 9, क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर, तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस क्या आपका 2, यानी कि 79। नेक्स्ट क्या है आपका x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब,
नाइन, नाइन से किस पे जाना है, क्यूब, यानी के क्यूब माइनस थ्री के, अभी पढ़ा था हमने, यानी कि नाइन का क्यूब माइनस थ्री इंटू नाइन, जो कितना आ जाएगा आपका, नाइन का क्यूब कितना होता है 729, माइनस नाइन थ्री जो 27, ये आपका आ जाएगा 702। बताइए कोई दिक्कत है क्या, फटाफट कर पा रहे हैं ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या था आपका, एक्स की पावर चार प्लस वन अपॉन एक्स की पावर चार, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकाल लिया था हमने, यानी कि 79। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, 79 का स्क्वायर माइनस के 2। तो आप सभी को सोल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही इस फिक्स पैटर्न पे। अभी हम आगे और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तक हमारा रेसिप्रोकल सेम था x प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पर वो वैल्यू भी चेंज करेगा जो आपका एग्जामिनर है, तो हम आगे उस लेवल के उस पैटर्न के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।